हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक त्रिभुज में असमीकरण यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज ABC की रचना के लिए उचित यानी सही विकल्प है? इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करें? हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की रचना के लिए उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना जरूरी है। तो हमें यहाँ यह देखना है कि क्या दिए गए विकल्प इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। चलिए लेते हैं पहला विकल्प। भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है। उसी प्रकार भुजा BC और भुजा AC का योग भुजा AB से बड़ा है और भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC से बड़ा है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प सही है। इसी प्रकार दूसरे विकल्प से भुजा AB और भुजा BC का योग भुजा AC से बड़ा है और चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, इसलिए हमें तीनों असमीकरणें ऐसी ही मिलेंगी और इस प्रकार इन भुजाओं से भी त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प भी सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम विकल्प की ओर। यहाँ पर भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। यहाँ पर भुजा AC और भुजा AB का योग भुजा BC के बराबर है। यानी इन भुजाओं से त्रिभुज ABC की रचना नहीं की जा सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार यह विकल्प गलत है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज PQRS में निम्न कथनों को सिद्ध करें। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे और उसे PQRS नाम देंगे। अब हम विकर्ण यानी डायगोनल्स QS और PR को जोड़ेंगे। हम पहला उपप्रश्न हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि PQ धन QR धन RS धन SP बड़ा है QS धन PR से। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए त्रिभुज PQR में हम कह सकते हैं कि भुजा PQ और भुजा QR का योग बड़ा है भुजा PR से। इसी प्रकार त्रिभुज QRS में भुजा QR और भुजा RS का योग बड़ा है भुजा QS से। त्रिभुज RSP में भुजा RS और भुजा SP का योग बड़ा है भुजा PR से। त्रिभुज SPQ में भुजा SP और भुजा PQ का योग बड़ा है भुजा QS से। अब हम चारों असमीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। अब बाईं और दाहिनी दोनों ओर सरलीकरण करने पर मिलेगा। और इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी चतुर्भुज PQRS की चारों भुजाओं का योग उसके विकर्ण के योग से बड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपप्रश्न की ओर। यहां हमें यह सिद्ध करना है। सबसे पहले हम विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को O नाम देते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास चार छोटे त्रिभुज हैं, त्रिभुज POQ, त्रिभुज QOR, त्रिभुज ROS और त्रिभुज SOP। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए त्रिभुज POQ में भुजा PO और भुजा OQ का योग बड़ा है भुजा PQ से। इसी प्रकार त्रिभुज QOR में भुजा QO और भुजा OR का योग बड़ा है भुजा QR से। त्रिभुज ROS में भुजा RO और भुजा OS का योग बड़ा है भुजा RS से। त्रिभुज SOP में भुजा SO और भुजा OP का योग बड़ा है भुजा SP से। अब हम चारों असमीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। इसे सरल करने पर हमें मिलेगा। इसे अगर इस प्रकार लिखें तो यह कुछ ऐसा होगा। PQ धन QR धन RS धन SP छोटा है 2 कोष्टक में PR धन QS से।
और इस तरह यह भी सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक त्रिभुज में असमिकाएं यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। अगले सत्र में इसी विषय से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।